एवरीवन, गुड इवनिंग सर। ओके बेटा, असाइनमेंट्स तो मैंने भेज दिया बेटा, बोल के असाइनमेंट्स तो ग्रुप में आज ऑलरेडी सेंड, दो चैप्टर के असाइनमेंट्स भेज चुका हूँ मैं। एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का और दूसरा मैंने सेंड किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। हाँ, ऐसे ही हर वीक आता रहेगा। आप चेक करना ग्रुप में है ना, वो किसी बुक का ही फोटोग्राफ है, लेकिन आप कितनी बुक कर दोगे ना, वो बड़ी लंबी चौड़ी बुक है, 4-5 वॉल्यूम में आती है। वो आपके लिए एडवाइजेबल नहीं होती, बस जो क्वेश्चन है वो अच्छे हैं, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन अच्छे हैं, वो मैंने भेज दिया, उसको जरूर से सॉल्व करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार हमारे पास क्वेश्चन मिलते तो हैं, लेकिन वो कई बार वो रिलेवेंट नहीं होते, उसपे सारे रिलेवेंट क्वेश्चन दिए, इवन छोटे छोटे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, जैसे कि कई बार नीट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उसको एक बार जरूर से करो। हर असाइनमेंट्स में 200 से 250 क्वेश्चंस हैं, किसी में 250 भी हो सकते हैं, किसी में 200 भी हो सकते हैं, है ना। वो हर चैप्टर की आपको मिलेगी, तो मैं भेज चुका हूँ, एक बार देखना ग्रुप में है। लास्ट वीक भी मैंने सेंड किया था एक मैग्नेटिज्म का, इस वीक मैंने ईएमआई का सेंड किया, क्योंकि ईएमआई का आपका टेस्ट है ना। उसके बाद अगले वीक में फिर मैं अल्टरनेटिंग करंट का, जब आपका अल्टरनेटिंग करंट का टेस्ट है उसके हिसाब से आप उसकी प्रैक्टिस करो। काफी बढ़िया है सर, असाइनमेंट्स मैंने भेजा हुआ है ना। विदुषी, आप सही बोल रहे हो कि जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस पर फर्क पड़ता है, लेकिन अभी हम उसको नहीं ले रहे हैं, जब सीरीज पैरेलल कर रहे हैं। मैं कभी बताऊंगा आपको मैं कि भाई कई बार इक्विवेलेंट निकालने में ना म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी कुछ रोल आता है, लेकिन अभी तो सिंपल सा सीरीज पैरेलल जो है वो हम सिंपल ले रहे हैं। जैसा आप रेजिस्टेंस कर लेते हो, जैसा रेसिस्टेंस का सीरीज पैरेलल है, वैसे आपका इंडक्टर भी क्या होगा, जैसे आपका सीरीज पैरेलल। तो अभी हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को उसके बीच में क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर, इग्नोर नहीं करेंगे तो उसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, है ना, कपलिंग के थ्रू आता है, तो बताऊंगा। तो आज मेरे ख्याल से जो मैंने पोस्टर भी शेयर किया था, आज आपका जो टॉपिक है दैट इज आर एल सर ना, कि भाई आपने सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ लिया, तो इंडक्शन में आपने एक इंडक्टर नाम का इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिया, कि अब तक जो आप एलिमेंट पढ़ रहे थे, एलिमेंट ऑफ द सर्किट, उसमें एक रेसिस्टेंस था, एक आपका कैपेसिटर था, और अब एक नया इंक्लूड हो गया इंडक्टर, है ना। भाई किसी भी सर्किट के ये तीन ही एलिमेंट होते हैं, रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर। तो अब इसी के बेसिस पे आपको जो आज सर्किट पढ़ना है, यू विल हैव टू स्टडी द आरएल सर्किट, जैसे कि आपने आरसी सर्किट पढ़ा था, है ना, और बाद में हम तीनों का कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे। भाई तीन अलग अलग सर्किट होते हैं, आरएल सर्किट या एलआर सर्किट बोल सकते हो आपसे, आपका एलसी सर्किट, और थर्ड जो हो जाएगा बेसिकली आपका आरसी, आपने पढ़े हो राइट। तो जो एलआर सर्किट है ये भी आपका आरसी जैसा ही है ना, कि हम यहाँ पे जो नेक्स्ट सर्किट पढ़ते हैं, वी स्टडी अबाउट द एलआर सर्किट, है ना, एलआर सर्किट की हम बात करते हैं। दिस इज सिंपली नोन एज ए एल आर सर्किट, है ना। तो जो आपका एल आर सर्किट है, इसमें इंडक्टर और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे आपका ये कोई इंडक्टर है, और इंडक्टर से आप एक रेजिस्टर लगा, और आपने एक स्विच बैटरी लगा दी, और बैटरी के थ्रू आपने कोई स्विच लगा, है ना। तो इस तरह का जो सर्किट होता है, इसी को हम बोलते हैं एल आर सर्किट, है ना। दिस इज सर्किट इज सिंपली नोन एज ए एल आर सर्किट। इस बैटरी के एमएफ आप भी ले लो, तो आप देखना इसमें वही है कि जो टाइम के साथ करंट होती है, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर कैसे एक्ट करेगा एज ए इनर्शिया फॉर द सर्किट, तो जब ये इनर्शिया के साथ सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो जब आप स्लिप स्विच क्लोज करोगे तो तुरंत से करंट मैक्सिमम नहीं होगा, बल्कि टाइम के साथ इस सर्किट में करंट क्या होता है, आपकी ग्रो करेगी, और जब स्विच ओपन भी करोगे तो तुरंत से करंट जीरो नहीं होगा, बल्कि टाइम के साथ सर्किट में करंट क्या होता है, आपकी डिके करें, है ना। तो उसको ज्यादा अच्छे से अगर मैं सर्किट को बनाऊंगा, तो आप इसको इस तरह से बना लो एल आर सर्किट, ताकि एक ही चीज में हम सारा कुछ एड्रेस कर पाए। एक आप बैटरी ले लो, है ना, और इस बैटरी से आप एक स्विच अटैच, ये आपकी कोई बैटरी है, इस बैटरी से आपने कोई स्विच अटैच, ये आपका स्विच हो गया, और इससे आपने एक इंडक्टर लगा दिया या एक रेजिस्टर लगा दिया, और एक यहाँ पे आपने एक आपका इंडक्टर लगा दिया, और बीच में एक स्विच और लगा दिया, ये सब स्विच ही है,
और इस दोनों स्विच को आपने नाम दे दिया कि दिस इज नोन एज ए K1 स्विच और ये आपका K2 स्विच। बैटरी का EMF है V, रेजिस्टेंस R, इंडक्टेंस कितना है आपका L। तो जब हम एरर सर्किट पढ़ते हैं तो इसमें दो तरह की चीजें पढ़ते हैं। सबसे पहले करेंगे बेसिकली आपका वी स्टडी द ग्रोथ ऑफ करंट कि भाई इस सर्किट में करंट ग्रो कैसे होता है। यू सिंपली स्टडी द ग्रोथ ऑफ करंट कि जैसे आप K1 को क्लोज करोगे है ना, केस में K2 तो हम ओपन रखते हैं, स्विच K1 इज क्लोज। स्विच K1 को हम क्या करते हैं, आपका क्लोज करते हैं। तो जैसे आप स्विच K1 को क्लोज करोगे इस सर्किट में करंट का ग्रोथ होगा। T=0 पे स्विच को अगर आपने क्लोज किया है तो किसी T टाइम पे अगर यहाँ पे कोई आई करंट फ्लो हो रही इस सर्किट से, K2 तो ओपन है ना, तो आपको निकालना होता है ग्रोथ ऑफ करंट में कि व्हाट इज द आई एज अ फंक्शन ऑफ कि अगर आई टाइम के साथ ग्रो कर रही है तो इस सर्किट में जो करंट होगी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसकी वैल्यू रहेगी है ना। तो आप देखो कि आपने RC सर्किट जैसा ही करना है। RC सर्किट में सबसे पहले आपने जो अप्लाई किया था, वी हैव यूज्ड द किरचॉफ वोल्टेज है ना, कि अगर मुझे आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है तो सबसे पहला मेरा स्टेप जो था वो किरचॉफ वोल्टेज हो। इस पूरे सर्किट में आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करो, तो जैसे मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूंगा आपको यहाँ पे देगा 0+V माइनस IR माइनस L इंटू DIY इक्वल टू अगेन 0 अगेन। भाई यहाँ से अगर आप स्टार्ट में 0 लेके प्लस V माइनस IR यहाँ पे LdIdt से वोल्टेज में ड्रॉप होगा तो माइनस LdIdt आ गया। तो पहला तो हो गया बेसिकली आपने करते हैं KVL अप्लाई कर। इसके बाद आ जाएगा वेरिएबल सेपरेशन है ना, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका वेरिएबल सेपरेशन कि मतलब करंट को एक साथ टाइम को एक साथ। तो जब आप इसमें वेरिएबल सेपरेशन करोगे तो इस पूरे चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ DI/V माइनस IR इक्वल टू आपका हो जाएगा DT/L ना, कि DI/V क्या हो जाएगा आपका V माइनस IR इक्वल टू क्या हो जाएगा DT/L। इसके बाद इंटीग्रेशन की वेरिएबल सेपरेशन के बाद अगर उसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे तो आप देखो टाइम इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू कितनी थी 0, जब आपका स्विच ओपन था तब तो कोई करंट नहीं था, जैसे आपने स्विच क्लोज किया उसके बाद तो निकाला तो टाइम इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 0 है, किसी भी टी टाइम पे आपको करंट की वैल्यू कैसे तो आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो जैसे मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करके ये चीज इस तरह से 1/R ये पूरा एल एन में आ जाएगा वी माइनस आई आर है ना इंटू 0 से आई तक और ये आपका हो जाएगा T/L है ना। और इसके बाद मैं लिमिट पुट कर दूंगा, तो जैसे मैं यहाँ पे लिमिट पुट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा सके आपका लॉग ऑफ वी माइनस आई आर माइनस वी, फिर पहले हम आई की जगह पे आई पुट करेंगे फिर आई की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो लॉग वी बच जाएगा और RHS साइड पे आ गया माइनस RTY ना। आपने क्या किया, KVL अप्लाई किया, वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट किया तो ये टर्म आ गया। पर लॉग में अगर आया है तो इसको हम ई के पावर में चेंज कर सकते, किस पर चेंज कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल पावर में। तो जैसे आप एक्सपोनेंशियल पावर में चेंज करोगे ना ये वाला मुझे पूरा टर्म है ना कि भाई 1-IR/V हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी e^-RT/Y। तो आपके पास ग्रोथ का करंट एज अ फंक्शन फॉर्मूला आ जाएगा। अगर मुझे निकालना है कि t=0 पे अगर आपने करंट स्विच क्लोज किया तो व्हाट इज द करंट एट टाइम t, t=0 पे अगर आपने K1 क्लोज किया तो व्हाट इज द करंट है ना एट टाइम t, टाइम के बाद करंट कितनी होगी उसी को हम करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोलेंगे। तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, आई की वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी आपकी ये चीज V/R इंटू 1-e^-RT जैसे आपका RC सर्किट में आया, ये आपका आ गया करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे आप स्विच क्लोज करोगे तो किसी टी टाइम पे करंट की वैल्यू क्या होगी आपकी हो जाएगी V/R 1-e^-RT आपका RT/L। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया ग्रोथ ऑफ करंट। ग्रोथ ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं आपका क्या किसी चीज को आपको ध्यान दो, अगर मैं चेंज करके लिखना चाहूँ तो जो V/R है ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी और जो L/R होता है इसको हम टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। L/R जो होता है
तो इसमें जो अगर हम चेंज करके लिखना चाहें इसे, तो इसी चीज को हम मैक्सिमम के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को आप ये भी लिख सकते हो आपका कि आई इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आई मैक्सिमम हो जाएगा इनटू आपका आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय टाउ, और टाउ इसमें टाइम कांस्टेंट होगा, जो टाउ होगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसलिए आपका टाइम कांस्टेंट, और इस टाइम कांस्टेंट की वैल्यू l बाय r है ना, ये जो टाइम कांस्टेंट होगा इसकी वैल्यू क्या लेंगे, इसलिए आपकी l बाय r। तो ये आपने ले लिया कि जब करंट ग्रो होती है तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का फॉर्मूला है, चाहे तो आप इसको याद रखो चाहे आप इसको याद रखो, तो जो भी क्वेश्चंस होंगे उसमें ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि जब भी आप स्विच क्लोज करोगे तो टी टाइम के बाद इसमें इतनी करंट फ्लो, तो ये इंडक्टर के लगने से करंट में एक टाइम लैग आ जाए, ये सभी चीजें होगी और टाइम की क्या होगी इसकी आपके फंक्शन में, ये आपका आ गया आई मैक्सिमम टी बाय टाउ, और ये टाइम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी आपके एल बाई आर, राइट। इसी को अगर मैं ग्राफ के तौर पर करूँ तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, ये स्टेप्स को लिखने के बाद अगर हम इसको ग्राफ में देखें तो ग्रोथ कैसा है सकती है आपका एक्सपोनेंशियल, अगर आप यहाँ पे करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाए, यहाँ पे अगर हम करंट का टाइम के साथ ग्राफ बनाए तो अगर ग्रोथ जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा, एक्सपोनेंशियली करंट ग्रो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट की वैल्यू बढ़ेगी, और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, है ना, आई मैक्सिमम इक्वल टू क्या हो जाएगा जैसे कि आपका वी वाई, राइट। तो इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि भाई टी इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो, टी इक्वल टू इनफिनिटी पे करंट जो होगी वो मैक्सिमम होगी वी वाई, है ना। जब टाइम की वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट होगी तो उस टाइम कितनी करंट, जब इस टाइम की वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट के इक्वल होगी तो इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो होगी, तो हम फॉर्मूला निकाल लेंगे, आपके पास फॉर्मूला ही तो है, भाई जो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है आई की वैल्यू हो जाएगी जैसे कि आपकी आई मैक्सिमम इनटू 1 माइनस इनटू पावर माइनस टी बाय, है ना। तो जब यहाँ पे मैं टाइम की वैल्यू पुट कर दूंगा वन टाइम कांस्टेंट, है ना, तो आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी आई मैक्सिमम इनटू 1 माइनस इनटू पावर माइनस, है ना। हम ही जानते हैं इसको याद रखना इनटू द पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.37, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो आई की वैल्यू जो होगी वो 0.63 ऑफ आई मैक्सिमम, है ना। तो आप किसी भी टाइम पे करंट निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, लेकिन अगर मैं एक टाइम कांस्टेंट जिसकी की वैल्यू एल बाई आर है, अगर डायमेंशनली भी एल बाई आर की अगर हम डायमेंशन पुट करें, एल की आप डायमेंशन पुट करो आर की डायमेंशन पुट करो, तो एल बाई आर की डायमेंशन किसकी आ जाएगी आपके टाइम, यहाँ पर आ जाएगा आई की वैल्यू हो जाएगी 0.63 इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट, दिस इज सिंपली नोन एज ए ग्रोथ ऑफ करंट। इसमें आप एक चीज थोड़ा सा याद रखना आपने कि जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा ग्रोथ ऑफ करंट में, है ना, जो कि मैंने कैपेसिटर में भी आपको समझाया था जब हम आरसी सर्किट पढ़ रहे थे, है ना। आप देखो एट t इक्वल टू 0 जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे, है ना, t इक्वल टू 0 पे जैसे आपने स्विच क्लोज किया उस इंस्टेंट पे, इसी को कई बार हम बोलते हैं इनिशियल स्टेट, इनिशियल स्टेट। तो आपको इनिशियल स्टेट पे सर्किट में करंट जीरो होगी ना, मैं इनिशियल स्टेट में जैसे मैं यहाँ पे टाइम जीरो पुट करूंगा तो ई टू द पावर 0.1 हो जाएगा, सर्किट में करंट कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टी इक्वल टू 0 में सर्किट में कोई करंट नहीं होगी इनिशियल स्टेट, मतलब जो इंडक्टर होता है ये बिहेव करता है एज ए ओपन स्विच। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इट बिहेव एज ओपन स्विच, है ना, कि भाई टी इक्वल टू 0 पे कोई भी जो इंडक्टर हो कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि आपके एज ए ओपन स्विच, मतलब कहीं भी अगर आपको इंडक्टर बना हुआ है इस तरह से, है ना, तो इस इंडक्टर को आप ओपन स्विच से रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं पर भी अगर इंडक्टर बना हुआ है तो टी इक्वल टू 0 पे वो कैसे बिहेव करता है, जैसे कि आपके एज ए ओपन स्विच या एज ए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस,
है ना। अब देखो आपने स्विच क्लोज कर दिया तो टी स्क्वायर जीरो पे तो करंट जीरो है, लेकिन आप करंट टाइम के साथ ग्रो हो। तो अगर मैं इसी में बोलूं कि आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, है ना, किसी को हम बोलते हैं एट टी स्क्वायर टू इन्फिनिटी, तो आप बता टी स्क्वायर टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और मैक्सिमम करंट हो जाएगी वी बाई आर। तो आप देखो अगर इस सर्किट में वी बाई आर करंट फ्लो हो रही है, मतलब इस इंडक्टर का तो मतलब ही खत्म हो गया ना। इंडक्टर तो सीधे स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट वायर भी होता तो सर्किट में करंट कितने फ्लो हो सकती है आपकी वी बाई आर। तो हम बोलते हैं टी स्क्वायर टू इन्फिनिटी, इसी को टी स्क्वायर टू इन्फिनिटी को हम बोलते हैं स्टडी स्टेट। यही जो स्टेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका स्टडी स्टेट। तो स्टडी स्टेट पे जो इंडक्टर होता है ना, आपका इंडक्टर बिहेव करता है एज ए ओपन स्विच। स्टडी स्टेट पे इंडक्टर बिहेव एज ओपन स्विच। ये पूरा का पूरा जो इंडक्टर होगा ये कैसे बिहेव करेगा, जरिए आपका एज ए ओपन स्विच, मतलब जहां पे भी सॉरी एज ए कंडक्टिंग वायर। इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, जरिए आपका एज कंडक्टिंग वायर, है ना, ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, मतलब जहां पे भी इंडक्टर होगा, है ना, इसको आप कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर सकते। ये आपका उदाहरण का टी स्क्वायर टू जीरो पे इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा एज ए ओपन स्विच, और स्टडी स्टेट पे इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा एज ए क्या कनेक्टिंग, है ना। भाई इस स्टेज पे करंट जीरो होगी और इस स्टेज पे करंट क्या होगी, मैक्सिमम, और किसी टी टाइम पे कुछ करंट है और वो टी टाइम पे करंट हम इस फॉर्म में से निकलते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं ग्रोथ ऑफ करंट। दिस कंसेप्ट इज सिंपली नोन एज ए ग्रोथ ऑफ करंट। ये तो हो गया एलआर सर्किट का ग्रोथ ऑफ करंट। ऐसे हम आ जाते हैं डीके ऑफ करंट के ऊपर। हम आ जाते हैं आपके यहाँ पे, जैसे आपने ग्रोथ ऑफ करंट पढ़ा वैसे हम पढ़ लेते हैं डीके ऑफ करंट। ये एलआर सर्किट में हम पढ़ेंगे दैट इज योर डीके ऑफ करंट, जैसे उसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग डीके ऑफ करंट। देखो डीके ऑफ करंट में क्या होगा, हम क्या करते हैं कि A1 को आपने क्लोज कर रखा है, तो किसी स्टेट में ऐसा अज्यूम कर लेता हूं इसमें कोई I0 करंट फ्लो होगी, कि जब T1 क्लोज है तो किसी भी स्टेट पे इसमें करंट फ्लो हो सके आपकी I0। अब हम क्या करते हैं, नाउ एट T is equal to 0 K1 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज। आप K1 को ओपन करते हो और K2 को क्या करते हैं, आप क्लोज करते हो। आपने यहाँ पे K1 को ओपन कर दिया और यहां से K2 को क्लोज कर। तो आप देखो जैसे आप इसको करोगे, अब आपका इससे कोई मतलब नहीं है, बैटरी से कनेक्शन खत्म हो गया। अब आपको होता है अब इसकी जो करंट होगी, वैसे तो अगर हम स्विच ओपन कर देते बैटरी हटाते तो सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो सिंपल जीरो हो जाता, फिर आपको इंडक्टर जीरो नहीं होने देगा क्योंकि इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा जो कि इस करंट को सपोर्ट। लेकिन जब करंट धीरे धीरे कम हो तो करंट का क्या होगा, डीके हो। तो आपको ये निकालना है कि भाई अब किसी केस में टी टाइम के बाद करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या, भाई अभी तो करंट आई नॉट है जिस स्टैंड में हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन किसी टाइम के बाद जब करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगी तो किसी टी टाइम पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा। वही चीज है, आप सेम वही कंसेप्ट किसमें भी यूज करोगे, भाई इसमें सबसे पहले आप क्लोज लूप में केवल लगा लोगे, जब आप टीवी लगाओगे तो यहां से इसकी इक्वेशन आपकी आ जाएगी, है ना, कि भाई यहां से इक्वेशन आ जाएगी आई इंटू आप, है ना, प्लस आपका आ जाएगा एल इंटू डी आई बाई डी, है ना, इक्वल टू क्या हो गया आपका जी, है ना, क्योंकि ईएमएफ तो इसमें है नहीं ना, भाई उसमें ईएमएफ इक्वल टू ये आ गया था, इसमें अगर ईएमएफ है नहीं तो ईएमएफ आपके जी किया। अब इसमें करंट कोई आई होगी तो आई आर प्लस एल डी आई बाई टी ईएमएफ होता है इक्वल, लेकिन ईएमएफ की वैल्यू इस केस में किसकी इक्वल है, जीरो की। इसके बाद हम वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे, हां, जैसे आप वेरिएबल सेपरेट करोगे यहाँ पे आपकी ये चीज आ जाएगी कि भाई डी आई बाई आई आ जाएगा, है ना, और इक्वल टू आ जाएगा सर आपका डी टी बाई एल आर, है ना, भाई यहाँ पे आ जाएगा सर आपका आर टी बाई एल, और एक माइनस आ गया,
डल जाएंगे, तो साइन क्या जाएगा कि आपका माइनस है ना, और इसको फिर इंटीग्रेट कर दो। तो आप देखो जब टाइम जीरो था करंट जीरो नहीं थी, टाइम जीरो पे करंट जीरो नहीं थी, टाइम जीरो पे करंट की वैल्यू आई नॉट। जब आपने K1 ओपन किया और क्लोज K2 क्लोज किया तो उस इंस्टेंट में करंट जो थी वो I नॉट थी, और किसी टी टाइम के बाद करंट आई है वो ये तो आपने निकाला। तो T इज इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू I नॉट है और किसी टी टाइम पे आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट, तो आपको पहले लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पूरी चीज जो होगी वो आपकी लॉग आई बाई आई नॉट, और ये आपका आ जाएगा माइनस आर टी है ना। अगेन इसको ई के पावर में ले जाते हैं तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आई की वैल्यू आ जाएगी इसलिए आपकी आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर, इसी को हम देख सकते हैं आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई का, तो ये आपका करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है ना। इस फंक्शन से करंट का ग्रोथ हो रहा था और इस फंक्शन से करंट क्या होगी टाइम के साथ डिक्रीज, क्या होगा जिसका डिके ऑफ करंट, तो डिके ऑफ करंट आ गई। इसको अगर मैं ग्राफ तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आपका ही है ना, तो भाई टी इक्वल टू जीरो पे तो करंट आई नॉट होगी और धीरे धीरे करंट का डिके होगा, और टाइम के बाद करंट की वैल्यू सर्किट में कितनी हो जाएगी जीरो ना, लॉन्ग टाइम के बाद सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी इसलिए आपकी जीरो हो जाएगी ना, मतलब पूरा सर्किट डिस्चार्ज होगा, पहले आई नॉट था धीरे धीरे कम होगा और फाइनली इस पे सर्किट में करंट कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी। मतलब ये हो गया कि फाइनली इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी सारी रेजिस्टेंस के क्रॉस ऐसे हीट डिसिपेट होगी है ना, इसमें जो भी एनर्जी स्टोर होगी वो सारे रेजिस्टेंस के क्रॉस कैसे डिसिपेट हो जाएगी एज ए पी। तो अगर कोई आपसे बोले कि इस तरह से डिके हो रहा है और कितनी हीट डिसिपेट हो है ना, किसी केस में अगर किसी ने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि इस पूरे प्रोसेस में रेजिस्टेंस के क्रॉस हीट कितनी डिसिपेट हो, जैसे आपको आ गया कि हीट डिसिपेटेड Across resistor, हाँ कि भाई जो resistor होगा इसके across कितनी heat dissipate होगी, तो heat हम निकाल सकते हैं, heat की value हो जाएगी integration of I square R into D, और ये further equal हो जाएगा half Li naught K square, तो ये term तो actually I as a function of time करेंगे तो integrate करना पड़ेगा zero से infinite तक, कि I as a function of time आपने निकाल लिया, इसमें आप put करोगे और पूरे टाइम के लिए निकाल लोगे जीरो से लेकर इनफाइनाइट कितनी हीट डिसिपेट इन अल्टीमेटली आपको पता होगा तो इसी के इक्वल है, क्योंकि इसमें इनिशियल एनर्जी स्टोर कितनी थी वैसे इंडक्टर में कुछ एनर्जी स्टोर थी और ये एनर्जी स्टोर होती हाफ एल आई नॉट स्क्वायर होगी, अगर करंट जीरो हो गया तो एनर्जी जीरो होगी, अब एनर्जी कहाँ चली गई सारी इसके प्रोसेस हीट तो चली गई, तो इसको इंटीग्रेट करके निकालना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट ये जो भी इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग सारी ऐसे हीट वहां पे क्या हो जाएगी, तो यही होता है एलआर सर्किट का ग्रोथ एंड डिके ऑफ द सर्किट है ना, दिस इज सिंपली नोन एज ए ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट है ना, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर। ग्रोथ एंड डिके ऑफ द करंट, तो इसी दो फॉर्मूले के ऊपर आपसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, इसी दो फॉर्मूले के ऊपर आपसे क्या पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप सॉल्व मत करना, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने के लिए, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस एक बार आप पढ़ लो उसे आप है ना, कि जस्ट उसके लिए एक बार देख लो कि क्वेश्चन क्या है, आप सॉल्व कर सकते हो आई नो, लेकिन अभी सॉल्व मत करना उसे है ना, जस्ट मैं आपको एक बार वो कंसेप्ट बता दूं फिर आप सॉल्व करते रहिए। मेन कंसेप्ट इस पूरे एलआर सर्किट का उसी क्वेश्चन में मैं शेयर करता हूं, आप उसको थोड़ा सा एक बार देखो। हाँ ये क्वेश्चन
बट एक बार देख लो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट एक कंसेप्ट मुझे समझा। चलो है ना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, है ना कि क्या एक्चुअली में क्वेश्चन बोल रहा है ना कि भाई ये क्वेश्चन जो है ये क्या बोलना चाह रहा है ना। जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नहीं इक्वल नहीं बेटा, R1 R2 एंड R3 है ना। इसमें एक रेसिस्टेंस आपको दिया हुआ है R1, दूसरा दिया हुआ है R2, और तीसरा है बेसिकली आपका R3। वो बाय मिस्टेक में क्या से इसमें क्लियर नहीं। चलो कोई नहीं, आप क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो आप समझ जाओ। चलो ये आपका, जैसे इस क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ईएमएफ का सोर्स है R1 है, R2 है, R3 और इंडक्टर वाला। फर्स्ट पार्ट पे इसने बोला हुआ है कि जैसे हम स्विच क्लोज करते हैं उस टाइम करंट कितनी है। इसने बोला यहाँ से जो करंट फ्लो रही है उसको हम ले रहे हैं I1, यहाँ से जो करंट फ्लो रही है वो कितनी हो जाएगी आपकी I2, और ये करंट हो जाएगी I। तो फर्स्ट पार्ट में इसने बोला हुआ है कि जैसे आप स्विच क्लोज करोगे कितनी करंट है ना, ये एज सुन एज स्विच इज क्लोज, जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे है ना इसमें कितनी करंट फ्लो होगी वो निकालने का था। जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे आपको पता है यहां से I3 तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि इंडक्टर कैसे बिहेव करता है एज ओपन स्विच। तो जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अगर I3 जीरो हो जाएगी तो I1 I2 सेम हो जाएंगे, तो I1 इज इक्वल टू क्या जाएगा सकते आपका I, और ये हो जाएगा E/R1 प्लस, है ना। तो आपको कंसेप्ट वही याद रखना है कि जैसे मैं स्विच क्लोज करूंगा है ना, इसमें ये इंडक्टर एज ओपन स्विच भी है, तो I3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इन दोनों की करंट आपकी सेम है ना। एक हो गया एज सून एज स्विच इज क्लोज, सेकेंड आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम तो आपको पता है लॉन्ग टाइम के बाद ये इंडक्टर एक कंडक्टिंग वायर बन जाता है। लॉन्ग टाइम के बाद ये इंडक्टर कैसा बन जाएगा वैल्यू तो हम इस, अगर मैं सेकेंड पार्ट की बात करूँ लॉन्ग टाइम के बाद जब इंडक्टर एज ए कंडक्टिंग वायर बन गया है ना, तो जो I1 की वैल्यू होगी ये आपको हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू R3 बाई R2 प्लस R, ये आपकी वैल्यू होगी जिसकी किसकी आपकी I1, I1 की वैल्यू ही आ गई है ना। दिस इज द वैल्यू ऑफ द I1 जो मेन करंट आ गई। अब आपको पता है ये जो I1 करंट है दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी पैरेलल सर्किट में, तो अगर मुझे ये निकालना है I2 कितना होगा, I2 की वैल्यू हो जाएगी I1 इंटू R3 डिवाइड बाई R2 प्लस R, ये हम जानते हैं भाई पैरेलल में करंट डिवीजन होता है। तो टोटल करंट अगर I1 है जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, तो अगर मुझे निकालना है यहां से करंट कितनी फ्लो होगी, तो R3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे मुझे अगर I3 निकालना है ना, तो I3 भी ऐसा I1 को आप R2 से मल्टीप्लाई कर,
भाई कितना आ जाएगा आर टू प्लस, तो टोटल करंट आई वन इतनी होगी और ये दो पैरेलल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, आपके आर टू पैरेलल होंगे उसमें क्या होगा आपके डिवाइड, फिर फर्स्ट दो पार्ट को कि जैसे मैंने स्विच क्लोज किया ये हो आफ्टर लॉन्ग टाइम ये हो। अब ये बोलता है कि ये दोनों करने के बाद अब हम स्विच ओपन करते हैं, अब क्या करते हैं स्विच क्लोज नहीं बल्कि क्या करते हैं कि आप स्विच ओपन करते हैं, थर्ड पार्ट में हो गया कि नाउ स्विच इज ओपन, अब ये स्विच ओपन कर, ये भी अभी इंपॉर्टेंट आ गया, वे स्विच ओपन करेंगे तो करंट कितने फ्लो होगा है ना, स्विच इज ओपन है ना, तो जस्ट टी इक्वल टू जीरो पे कि जैसे मैं स्विच ओपन करूंगा उस टाइम क्या होगा, तो जैसे मैं स्विच को ओपन करूंगा आपको पता है यहां से ये वाली आई वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आई वन की वैल्यू तुरंत क्या हो जाएगी आपकी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इंडक्टर थोड़ी यहां पर लगा, तो हम बोलेंगे जैसे हम स्विच ओपन करेंगे आई वन की जो वैल्यू होगी वो जीरो, लेकिन ये आई थ्री चेंज नहीं होगा ना क्योंकि इंडक्टर चेंज थोड़ी होना चाहिए, इंडक्टर के थ्रू जो करंट होती है वो तुरंत चेंज नहीं होती, तो जैसे आप स्विच ओपन करोगे यहाँ पे इंडक्टर नहीं लगा हुआ वो करंट जीरो होगी, लेकिन आई थ्री उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, आई थ्री विल नॉट चेंज, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई थ्री, तो आई थ्री उतनी ही रहेगी, आई थ्री की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी आ जाएगी आई वन इंटू आर टू बाई आर टू प्लस आर, इसमें इमीडिएट कोई चेंज नहीं, और अब से बात है कि अगर आई थ्री चेंज नहीं हुआ है तो यहां से तो कोई करंट जानी नहीं है, तो अभी दोनों सीरीज में ही तो होंगे आई थ्री और आई टू सेम ही तो होंगे हाँ भाई, अगर ये वाली करंट चेंज नहीं हो रही जो इंडक्टर से जा रही है तो फिर उसके सीरीज में ही तो ये है, तो उसकी डायरेक्शन राइटवर्ड हो जाएगी लेकिन वैल्यू उतनी रहेगी जितनी की आई टू, तो अगर आपसे कोई बोले कि इस केस में आई टू कितना होगा हाँ, तो आई टू की वैल्यू माइनस आई थ्री होगी, जो डायरेक्शन हम लेफ्टवर्ड ले रहे हैं वो लेफ्टवर्ड नहीं बल्कि किसका होगा राइटवर्ड, ध्यान रखना जैसे मैं स्विच ओपन करूंगा जहां पे इंडक्टर नहीं है वो करंट तो जीरो होगी, लेकिन जिस इंडक्टर वाली करंट तुरंत चेंज नहीं होगी इंडक्टर इनर्शिया होता है, और अगर ये चेंज नहीं होगी तो उस में ये वाली करंट भी होगी क्योंकि दोनों एक क्लोज लूप ना लेंगे ना, तो थर्ड पार्ट का ही हम स्विच ओपन करने के लॉन्ग टाइम के बाद, जब आप स्विच ओपन करोगे उसके लॉन्ग टाइम के बाद, तो जैसे लॉन्ग टाइम हो जाएगा सारी करंट जीरो, धीरे धीरे अब क्या होगा ये जो करंट फ्लो हो रही थी सेम हमेशा फ्लो होगी और धीरे धीरे इसका डीके होगा, होगा धीरे धीरे इसकी वैल्यू करंट की कम होगी और लॉन्ग टाइम के बाद सारी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो, लॉन्ग टाइम के बाद आई वन आई टू आई थ्री सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी आप भी जीरो, आई वन भी जीरो हो गया आई टू भी जीरो हो गया एंड आई थ्री भी, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन है ना जिसमें इस तरह की चीजें आपसे पूछी गई, आप इसमें सॉल्व कर लेंगे आज स्विच ओपन केस मैं बताता हूं आपको मैं है ना, स्विच ओपन केस स्विच ओपन तो करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, लेकिन इंडक्टर से जो आई थ्री करंट तो रिपोर्ट पर चेंज नहीं होती बात टाइम लगेगा उसको चेंज, तो जैसे मैं स्विच ओपन करूंगा ये करंट अनचेंज रहेगा, तो आई थ्री जो सेकंड पार्ट में आपने आंसर निकाला था वही, और चूंकि अब इधर कोई करंट जाने नहीं है मतलब एक क्लोज लूप बन जाएगा, तो जितनी करंट यहाँ से फ्लो होगी उतनी यहाँ से दोनों करंट सेम होंगे, माइनस माइनस के यूज किया है तो डायरेक्शन और राइट बोर्ड, और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सारी करंट यूज जो भी इसकी एनर्जी थी ऐसे हीट यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके जैसे, तो सर समझ तो वी कैन गो फॉर दिस, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये हम कर सकते हैं, हाँ वही मैंने बोला कृतिका आई थ्री इज इक्वल टू माइनस आई टू का मतलब डायरेक्शन है ना, क्योंकि आपको तो है अब अगर इससे कोई रिलेशन नहीं है तो ये क्लोज पाथ बन गया ना, तो इस तरह से सीरीज में करंट कभी अलग हो नहीं सकती, करंट तो तब डिवाइड होती है जब उसको पाथ मिलता है, जितनी करंट आई थ्री उस इंस्टेंट में फ्लो हो रही होगी वही करंट यहाँ फ्लो होगी, लेकिन माइनस आई थ्री मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि डायरेक्शन लेफ्टवर्ड नहीं होगी बल्कि राइटवर्ड, इसका मतलब माइनस 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 साइन लगाया है डायरेक्शन की वजह से,
अदरवाइज मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेसिकली आपका सेम। या तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे क्योंकि आपको इस तरह से सॉल्व करने आना चाहिए। चलो तो एलआर सर्किट में इस तरह से हम चीजों को क्या करते हैं अटेम्प्ट। एलआर सर्किट के ही कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। ये पूछा जाता है इंडक्टर में, सबसे जो ज्यादा पूछने के चांसेस इसी एलआर के ही होते हैं। एलआर के क्वेश्चंस काफी आते हैं, है ना, काफी हद तक इसमें पूछा जाता है। We can go for this question. हाँ, you can go for this question. इसको देखो जरा सा। मतलब आपको मतलब सिलेबस ज्यादा नहीं है, इसके बाद तो दो ही चैप्टर एसी के बाद दो ही चैप्टर बचते हैं ना, ऑप्टिक्स एंड मोनोड के। बहुत ज्यादा ऐसा कोई सिलेबस नहीं बचा है, ऑप्टिक्स वगैरह में उतना ऑप्टिक्स एकदम आसानी से हो जाती है, और मॉडर्न बहुत सारा आपने केमिस्ट्री में पढ़े हुआ है तो उसमें भी उतना टाइम नहीं लगता है ना। एसी के बाद दो ही चैप्टर बच जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स। हाँ, कुछ आंसर मेरे पास आए हैं। हाँ, दिव्यांश एंड कृतिका आपके आंसर सही है।
है सर गौरव, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन वन इज करेक्ट है ना, इसका जो ऑप्शन वन है वो सही होगा। सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, इसमें बहुत कुछ ज्यादा है ही नहीं है ना, कि सीधे इसमें आपको क्या अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है आपने, है ना, कि इसमें सीधे आपको फॉर्मूला यूज करना है, थोड़ा ट्राई करो जरूर आएगा। चलो चेक करता हूँ मैं, वैसे ही आ जाना चाहिए था आपको क्वेश्चन सभी को, है ना, इसमें कुछ है ही नहीं, देखो कुछ नहीं है, इसने बोला है कि टाइम इज इक्वल टू, है ना, इसने बोला है टाइम की वैल्यू जो कितनी हो जाए, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में कि टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड पे, पहले तो इसका टाइम कॉन्स्टेंट आप निकाल दो, उस पूरे का जो टाइम कॉन्स्टेंट होगा वो आपका आर बाई एल होता है, एल बाई आर होता है, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है सर, आपकी एल बाई आर, तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, आपकी 1/3 सेकंड, तो अगर मैं 1 सेकंड के बाद करंट निकालूं तो बी तो आपका 20 दिया हुआ है, आर आपका 9 है, हाँ इसको बी बाई आर लिख दो आप, क्योंकि उससे आंसर इंडिपेंडेंट हो, इंटू 1 माइनस 1/3 हो जाएगा, तो ये जो करंट होगी ये आपकी हो जाएगी बी बाई आर इंटू 1 माइनस e^-3 हो जाएगी, इसमें तो कोई है नहीं करंट, और अगर लॉन्ग टाइम के बाद जब टाइम इंफिनिटी हो जाएगी तो उस टाइम तो करंट बी बाई आर ही होती है, I2 की वैल्यू क्या होती है आपकी बी बाई आर होती है, यहाँ से I1 और I2 का रेशियो आप निकालते हैं, जैसे मैं निकालूंगा रेशियो 1 माइनस e^-3 आ जाएगी, हाँ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा लिख दो, तो टाइम 1 सेकंड है, टाइम कांस्टेंट 1/3, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I1/I2 की जो रेशियो होगी 1 माइनस e^-3, इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से इसको क्या करेंगे, तो कई बार फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस ही इसमें आएंगे। ये आपका इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके, हाँ हम यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली आपका, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन,
हाँ मैं देखता हूँ भाई घर के आंसर आपके। अच्छा ओहो अलग अलग आ रहे हैं आंसर। अच्छा सही है, दोनों का आंसर तो एक ही आ रहा है। मुझे आंसर चेक करना पड़ेगा। रिवांश एंड गार्गी, और आंसर इज करेक्ट है ना, रिवांश और गार्गी आपके आंसर सही। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो जैसे आप स्विच को क्लोज करोगे है ना, प्रश्न बोला है कि इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है ये आपका 200 एम्पीयर पर सेकंड। सो के क्वेश्चन सॉल्व आप किरचॉफ वोल्टेज लगा देना, यहाँ से आप स्टार्ट करो, आप करंट एज्यूम कर लो रेजिस्टेंस में आई है, यहाँ से जीरो हो गया, जैसे हम जाएंगे तो प्लस 20 हो गया। यहाँ पे एल डी आई बाई डी टी होता है ना, प्लस 5 मिली हेनरी, 5 इंटू 10⁻³ इंटू डी आई बाई डी है ना, क्योंकि इससे माइनस होता है, यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस आएगा, तो एक करंट का ग्रोथ हो रहा है ना तो अपोज करेगा, यहाँ पे जो इंड्यूस डी एम एफ होगा ये इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। एल डी आई बाई डी टी यहाँ पे 200 आ गया है ना, और यहाँ पे माइनस आई एल हो जाएगा आई इंटू 9 पॉइंट आपकी वैल्यू ऑफ आई है, आई की इस केस में वैल्यू कितनी है। तो जब आप सॉल्व करोगे मैं क्या से आई की वैल्यू स्पेस में जो आ रही है वो 2 एम्पीयर आ रहा है, चेक कर लेना ऐसे है ना, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट है ना, कि आई की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इसलिए आपकी 2 एम्पीयर है ना। हाँ उसको भी यूज कर सकते थे आप है ना, कि जो फंक्शन निकाला था उसको भी आप यूज कर सकते, सही बात है ना, कि जो फंक्शन निकाला था उसको भी यूज कर सकते ना? लेकिन नॉर्मली बेसिक्स यूज कर लेते हैं क्योंकि रिलेटिव वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, तो हम बेसिक्स यूज करके इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, उसको भी यूज कर सकते हैं। ये आपका इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो कि इसमें आएंगे। आज आप लोग थोड़ा आंसर कम दे रहे हो, थोड़ा सा और बढ़ाओ यार आंसर, क्या हो गया एग्जाम एग्जाम शुरू हो गया क्या, हाफ शुरू हो गया हाँ? जोश बनाए रखना है लास्ट तक,
आपके यहाँ कोरोना नहीं हो रहा है, कोरोना वगैरह नहीं आने वाला आपके टाइम में, तो एग्जाम डिले हो जाएगा, एग्जाम एकदम टाइम पे होगा आपका। अब तो कोरोना कितना भी हो जाए आपका एग्जाम तो टाइम पे होगा, अब गवर्नमेंट समझ चुकी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम ले लो फटाफट। नहीं आपका टाइम तो कुछ हो कुछ भी हो एकदम टाइम पे होना है, तो आप लोग बस 3-4 महीने का टेम्परामेंट बना के रखना है ना, कि अभी 3-4 महीने में आपका एक मतलब कुछ दिनों में 12th खत्म हो जाएगा, फिर हम 11th रिविजन पे आ जाएंगे, है ना। अगर दो चीज आपने ठीक से कर ली, मैं तो तीन ही चीज बोल रहा हूँ आपसे कि भाई आप सबसे पहले एक मॉड्यूल सॉल्व कर लो अपना रिस्पेक्टिव जो है, एनसीईआरटी अच्छे से सॉल्व कर लो और प्रैक्टिस शीट कर लो, है ना। आपका बहुत सारा काम इसी से हो जाएगा, इसके अलावा बहुत ज्यादा चीज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलो तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि आपको आना चाहिए। हाँ वही मैं आजकल हाफ ईयरली वगैरह चल रहा है ना, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एकदम ध्यान से करना, ग्राफ के ऊपर बेस्ड है दोनों, आरएल का करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। जस्ट ग्राफ को आपको इंटरप्रेट करने आना चाहिए इस केस में। प्रणाम, आपका कुछ आंसर आया है, मैं चेक करता हूँ। ये नहीं है बताया आंसर, चलो कोई नहीं, सब लोग ट्राई करो क्या आपका आंसर आ रहा, देखते हैं।
हाँ सही कृतिका आपका आंसर, योर आंसर इज करेक्ट। निमिषा सही आंसर है, द आंसर इज करेक्ट। एकदम बढ़िया प्लॉट है आपके पास, एकदम है ना नीट क्रैक करने का, है ना। बोर्ड में नंबर आ जाएंगे, बोर्ड के नंबर की चिंता नहीं। बोर्ड में तो क्या होता है कि अगर एग्जाम बोर्ड के एक डेढ़ महीना आप दे दो पूरे बोर्ड के मैक्सिमम, तो आपके अच्छे खासे स्कोर है। नीट क्रैक करने का मैंने आपको बता दिया कि तीन चीज आप कर लो, है ना। फिजिक्स में आपको कोई हो सकता, मैंने बहुत रिसर्च के बाद आपको तीन चीज बता रहा हूँ, है ना। सबसे पहले आप मॉड्यूल कर लो, फिर एनसीईआरटी अच्छे से, है ना। एनसीईआरटी के कई बार वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करके बुक्स भी आती है, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप्स, वो कर लो। और जो प्रैक्टिस शीट है वो सब, काफी कुछ आप अटेंड कर सकते ना। एग्जाम में यही सब चीजें बार बार आएंगी, जैसे क्वेश्चन कई बार रिपीट हो सकता है वाला जो ये मैंने दिया है ना। आपने देखा होगा कई बार आधा घंटा हरासमेंट फिजिक्स आने के बाद क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन करवाने के पर्पज नहीं कि फिजिक्स में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होती है ना, क्वेश्चन के थ्रू ही हम थ्योरी सीखते हैं, उससे हम से सीख जाते हैं क्या चीज एक्चुअली है जो आपको एग्जाम में आती है ना। एग्जाम में क्या चीज आने वाला है वो हम सीख जाते हैं इसमें। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ से, तो जस्ट आई विल एक्सप्लेन इट, हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ, काफी लोगों के सही रहे हैं ठीक है। देखो कुछ नहीं इसमें होता, देखो इसमें ये है कि दोनों ग्राफ का मैक्सिमम करंट सेम है, दोनों की मैक्सिमम करंट सेम है ना, मतलब दोनों का वी बाई आर सेम होगा, दोनों का वी बाई आर क्या होगा सेम होगा। अगर वी बाई आर सेम होगा दोनों का वी तो सेम है, अगर वी बाई आर सेम मतलब आर भी सेम होगा, अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम, दोनों का अगर वी सेम है और मैक्सिमम करंट सेम है तो दोनों का आर भी सेम होना चाहिए। तो आर वन स्क्वल टू आर टू अगर है तो आपका फिर ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता ना, ए और बी। अब सी और डी में चॉइस है, तो देखो मैंने क्या किया ना, मैंने बोला ये मैक्सिमम करंट है, यहाँ पे मैक्सिमम करंट का 0.63 एम लेते हैं, तो आप ऐसा एक टाइम कॉन्स्टेंट के बाद देखते हैं। तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच ली, एक ग्राफ में एक यहाँ कट कर रहा है एक यहाँ कट कर रहा है, और ये जो टाइम होता है इसी को तो हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो सेकंड का टाइम कांस्टेंट ये ले लिया, फर्स्ट का टाइम कांस्टेंट ये ले लिया, तो देखो दोनों के टाइम कांस्टेंट को आप कंपेयर करो, तो इससे ये समझ में आ गया कि जो पहले का टाइम कांस्टेंट है वो दूसरे से ज्यादा है। ये समझ में आ गया, पहले का जो टाइम है लाइन लाएंगे तो यहाँ पे कट कर रहा है इसका टाइम ज्यादा है, यहाँ पे कट कर रहा है तो इसका टाइम कम है, और टाइम कांस्टेंट जो होता है वो एल बाई आर होता है। यहां से आपका आ गया एल वन बाई आर वन विल बी ग्रेटर देन एल टू बाई आर टू, हाँ एल बाई आर ही तो होता है। और अभी आपने बोला आर वन आर टू तो सेम है, तो एल वन की वैल्यू एल टू से ज्यादा होगी, हाँ तो एल वन की वैल्यू एल टू से ज्यादा अगर होगी तो आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट, है ना। इसी ऑप्शन से ही हाँ, मैं देखो किस तरह से मैं इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके, है ना। कोई ऐसा तो नहीं ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोले हो, ग्राफ को इंटरप्रेट करके क्वेश्चन सॉल्व किया, तो सी ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सी जो होगा वो सही है, एल वन की वैल्यू एल टू से क्या होगी ज्यादा है। हाँ डी आई बाई डी टी स्लोप से भी कर सकते हो, स्लोप से भी सॉल्व कर सकते हो, सही बात, किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है वो भी सही है, वो भी ऑप्शन सही है आपका, है ना। तो निमिषा आपका आंसर सही था, कृतिक आंसर सही था, स्लोप भी सही है, वे किसका स्लोप ज्यादा है उससे स्लोप को कंपेयर करके भी कर सकते हैं, है ना। दोनों तरीके से ही है, चलो ये भी आपका ठीक है। तो एलआर सर्किट एक इम्पोर्टेंट चीज है ना, जो कि कई क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ये आपका, आपने ये कर लिया ये कर लिया ये कर लिया, यू कैन गो ऑन कुक फॉर दिस क्वेश्चन, फ्लो निकालना
हाउ टू फाइंड आउट द हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन एलआर सर्किट. त्रियांश सही अब कैंसर ही
आप सही है गार्गी, अब आपका आंसर सही है, आपने सही बोला, सी ऑप्शन सही है ना, सही बोल रहे हो, आपका जो ऑप्शन था वो सही है, आप सही है। ऑप्शन सी सही है आपका, सी फॉर कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। देखो इसको कई स्टूडेंट इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इसको बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकता हूँ, इंटीग्रेशन की इसमें इसकी उतनी जरूरत है नहीं, है ना। कई स्टूडेंट तो इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, तो पता होता है कि अगर करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ये है ना, आई इक्वल टू, अगर आपको ये दिया हुआ है वी बाई आर वन माइनस ई टू पावर माइनस आर टी बाई आर या माइनस टी बाई टाउ, तो आपको पता है वो जो सॉल्व करते हैं वैसे करते हैं कि करंट की वैल्यू डी की वैल्यू टी होती है ना, ये आपका या चार्ज फ्लो की जो वैल्यू होती है ना क्यू, ये आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ आई, तो आई की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं और पुट करके इसको जीरो से लेके वन टाइम कॉन्स्टेंट तक इंटीग्रेट कर देते हैं, चार्ज फ्लो आ जाता है। ये तो उसने पूछा हुआ है कि एक टाइम कॉन्स्टेंट में कितना चार्ज फ्लो होगा, तो इसमें इंटीग्रेशन में कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो देखो इसके अलावा मैंने जब चार्ज फ्लो का फॉर्मूला आपको बताया था, मैंने ये भी तो बताया था कि जो चार्ज फ्लो होता है किसी भी केस में, ये आपका होता है चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस। ये चार्ज फ्लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस, और चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस, आप इससे भी निकाल सकते हैं। और आपको पता है किसी भी इंडक्टर में जो फ्लक्स होता है ना, इंडक्टर में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो आपकी होती है एलआई, इंडक्टर में जो फ्लक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी एलआई होती है। तो मैं अगर टी इक्वल टू जीरो की बात करूं, तो टी इक्वल टू जीरो पे जो इनिशियल फ्लक्स होगा एल इंटू इनिशियल करंट हो जाएगी, इनिशियल करंट तो वी बाई आर होती है, इनिशियल फ्लक्स होगा। फिर मैं टी इक्वल टू वन टाइम कॉन्स्टेंट की बात करूँ, तो फाइनल फ्लक्स एल इंटू टाइम की जगह पे वन टाइम कॉन्स्टेंट पुट कर देंगे, ये आपका आ जाएगा जैसे कि आपका एल इंटू बी बाई आर वन माइनस ई टू द पावर माइनस वन। टी स्क्वायर जीरो पे एल आई आ गया, टी स्क्वायर टू वन टाइम कॉन्स्टेंट पे एल आई आ गया। अब आप चेंज इन फ्लक्स निकाल लो, जो चेंज इन फ्लक्स से आप निकालोगे एल बी बाई आर इंटू ई टू द पावर माइनस वन, बाकी सारी चीजें कैसे लोगे। और अभी आपने पढ़ाया है कि चार्ज फ्लो की वैल्यू क्या होती है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस होता है, यहां से आपका एल बी बाई ई इंटू आर स्क्वायर आ गया आंसर। इस पूरे प्रोसेस में इतने अमाउंट का चार्ज क्या उतर सके आपका प्रूव है ना, कितने अमाउंट का चार्ज क्या उतर सके आपका इस पूरे प्रोसेस में फ्लो करेगा, तो एल बी बाई ई आर स्क्वायर आंसर आपका आ जाएगा, है ना। और भी एक आंसर मेरे पास आया हुआ है, हाँ सही बात है, सही बात, आपने सही बोला है कि आपने इंटीग्रेशन से किया होगा तो समटाइम्स उसमें एरर आ जाता है, ऐसे इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, कोई बहुत टफ इंटीग्रेशन नहीं है इसमें, बहुत कोई टफ इंटीग्रेशन इसमें नहीं है, आपको वी बाई आर बाहर आ जाएगा है ना, और इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ होगा है ना, इंटू डी टी होगा, तो इसको आप जीरो से टाउ तक इंटीग्रेट, वेट को प्रोसेस ये तो है ही, इससे ये भी ठीक है, रिफ्लेक्स सही होता है। और आपने को चार्ज को मैंने बताया नहीं, चार्ज को क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस होता है, तो चेंज इन फ्लक्स को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो उससे फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आपका चार्ज, हां ये चार्ज फ्लो का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे प्रोसेस में कितने अमाउंट का चार्ज फ्लो ये कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
आई कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन. ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन. दूसरा डिफरेंशिएशन यूज होगा क्योंकि रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं. आंसर आया क्या इसका? क्या आंसर है आपका? आप ठीक ही कर रहे होगे तो ये यही तो बोल रहा है.
कि भाई इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है यू, है ना, यू की वैल्यू होती है हाफ एल आई स्क्वायर। ये बोल रहे हैं डी यू बाई डी टी किस रेट से एनर्जी चेंज हो रही है, ये आपका हो गया हाफ एल इंटू टू आई डी आई बाई डी टी, ये आपका आ गया एल आई इंटू डी आई बाई डी टी। इस रेट से इंडक्टर में एनर्जी क्या हो रही है, स्टोर हो रही है, और ये इक्वल होगा इसके आई स्क्वायर आर के, एल आई इंटू डी आई बाई डी टी किसके हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो किस टाइम पे ऐसा होगा, है ना, कि भाई किस टाइम पे ऐसा होगा, तो एक आई की पावर के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, और आई और डी आई बाई डी टी हम जानते हैं आई की वैल्यू, अभी आपने पढ़ा है कि आई की वैल्यू होती है बी बाई आर इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी। यहाँ से आप आई की वैल्यू पुट कर दो, किसी को डिफरेंशिएट करके डी आई बाई डी टी की वैल्यू, है ना, किसी को डिफरेंशिएट करके हम किसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे आपके डी आई बाई डी टी, तो जब सॉल्व करेंगे उससे वो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एक बार अटेम्प्ट करना इसे आप, है ना, तो ये जस्ट हमने किया, ऑलमोस्ट हमने खत्म कर लिया, बस एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज योर एलसी सर्किट, उसी को एक बार हम एलसी ऑसिलेशन भी बोलते हैं। आप एनसीईआरटी देखोगे तो मेरे ख्याल से इसके लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर उसके लास्ट में एक पेज की उसकी थी, बहुत लंबा चौड़ा कोई नहीं है, छोटा सा पार्ट है, राइट, तो वो मैं फटाफट खत्म करूँगा। उसके बाद फिर अल्टरनेटिंग करंट, है ना, अल्टरनेटिंग करंट एक अलग चीज, अब तक जो है वो डायरेक्ट करंट के बारे में, तो उसकी थ्योरी थोड़ी सी टिपिकल, है ना, तो वही है जैसे जैसे आपका टेस्ट प्रोग्रेस हो रहा है ना उसी हिसाब से मैं टॉपिक पढ़ाते हैं, और वो शीट भी आप शेयर करते हैं, तो आप शीट सॉल्व करो टेस्ट दो, शीट सॉल्व करो टेस्ट, और पूरे 11th की शीट आपको मिलेगी एकदम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लेके पूरे टॉपिक जितना भी आपने किया, एक बार उसको सॉल्व करोगे अपने आप सारी चीजें आती जाएंगी, कुछ मुझे ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बताना नहीं पड़ेगा, एक बार आप उसको सॉल्व करोगे अपने आप आपको चीजें आती, और जो डाउट्स है उसका भी डाउट क्लास नहीं लग रही है, नेक्स्ट वीक में मैं लगाऊंगा एक, जो भी आपके डाउट्स है उसमें पूछ लो, शीट के डाउट या और भी कहीं एक्स्ट्रा डाउट वो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, इसका आंसर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना है ना, किस क्वेश्चन का अल्टीमेटली आंसर क्या है। Thank you, sir.